नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। डीए कटौती के बाद फौजी जवानों को एक और तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, 2 मई की एक ताज़ा खबर निकल के सामने आई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि 29 मार्च 2020 को ये एक लेटेस्ट न्यूज जारी की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री इम्प्लॉयज टू डोनेट 1 डे सैलरी पीएम कोविड-19 फंड। जी हाँ दोस्तों, पहले ये खबर आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में डोनेट की जाएगी। यानी कि दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक और लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमओडी फॉर गिविंग 1 डे सैलरी एवरी मंथ टू पीएम केयर्स फंड। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में रक्षा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के योगदान के बाद इस वित्तीय वर्ष के हर महीने एक दिन के वेतन का योगदान देने का प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों इस प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष में हर महीने एक दिन का वेतन काटने और इसे पीएम केयर्स फंड में जमा करने को कहा गया है और इसी को लेकर एक दो दिन में सर्कुलर भी जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि हर महीने में जो एक दिन की सैलरी कटेगी वो कर्मचारी की स्वेच्छा के आधार पर होगा। और दोस्तों इस सैलरी में एक साल तक कटौती होगी और ये कर्मचारी की स्वेच्छा के आधार पर काटी जाएगी। अगर कर्मचारी चाहे तो कटवा सकता है, अगर नहीं चाहे तो अपनी 1 डे सैलरी नहीं कटवा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक ताज़ा खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।